गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हो जाए कुछ चटपटा सा और बढ़िया बढ़िया सा सुबह का नाश्ता। तो चलिए कर लेते हैं मिर्च पकौड़े की तैयारी। तो ये है हमारे पास 250 ग्राम मिर्च, और यहाँ पर काउंट करेंगे तो सिर्फ 5 मिर्च ही है हमारे पास है। 3-4 बड़े चम्मच बेसन है, और यहाँ पर है कुछ सूखे मसाले। तो इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला हमने, और इसके बाद थोड़ा सा एक पिंच डाला हमने गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। मुझे बहुत इसका बैटर बहुत पतला नहीं करना है, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं करना है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच डाला हुआ है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छी बाइंडिंग और एक अच्छा सा क्रंच आता है। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लिया। यहाँ पर डाल दिया है नमक, और फ्रेंड्स इसमें नमक में थोड़ी सी हींग पड़ी हुई थी। यहाँ पर आलू है, तो आलू जो जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी ही मैं ग्रेट करूँगी, बाकी की रख दूँगी। यहाँ पर मैं बेसन को मिला लूँगी। बेसन में डाला हुआ हमने पानी। पानी डालने के बाद धीरे धीरे से डालेंगे, ये देखिए धीरे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। इसके बाद थोड़ा सा तीन चम्मच हमने और पानी डाला हुआ। इसके बाद अब अच्छे से इसको मिलाएंगे, इसमें अच्छे से मिले, एक अच्छा सा गाढ़ा बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए, तो चलिए बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। ये देखिए, मुझे ऐसा बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम क्वालिटी का है। ये देखिए, तो अब इसको रखती हूँ साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर हमने 4 से 5 आलूओं को ग्रेट कर लिया। इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद डालूँगी यहाँ पर हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद एक फ्रेंड सरप्राइज। यहाँ पर देखिए मेरी मदद कौन कर रहा है, तो यहाँ पर मेरी मदद कर रही मेरी बेटी कुहू। ये देखिए छोटे छोटे से उसके हाथ, ये देखिए मिला रही है, और मैं चाट मसाला मिला रही हूँ, तो मेरी हेल्प कर रही। वो कह रही थी मम्मी मैं करूँगी, तो मैंने कहा भाई कर ले। तो ये देखिए मिला रही उसके छुट्टे छुट्टे से हाथ, देखिए लेकिन बहुत अच्छे से मिला रही, ऐसा लग रहा है किसी बड़े लोगों का हाथ। तो ये देखिए तो बहुत अच्छे से मिलाया उसने। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर जो स्टफ मैं कर रही हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर भर लेंगे अपनी आलूओं के स्टफिंग मिर्चों में। तो ये देखिए इस प्रकार से सारे मिर्च को भर लूँगी, खूब अच्छे से फिल कर लूँगी, जिसमें कि अच्छे से इसकी जो शेप बन के अच्छे से भरेंगे तो इसका शेप भी अच्छा आएगा। ये देखिए, तो अच्छे से मैंने भर लिया है। इसी प्रकार से सारे मिर्चियों को भर लूँगी, और ये देखिए जो इतना मेरे पास बैटर बचा हुआ, तो इनके गोल गोल से मैं ये देखिए बॉल बना लूँगी। इसके बाद उसको भी मैं बेसन में डाल के फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर ऑयल मेरा गरम हो रहा है अच्छे से यहाँ। तो इसके बाद जो थोड़ा सा आलू का स्टफ बचा हुआ था, उसको मैंने 5-6 बॉल बना लिया हुआ है, एक छुट्टू से बॉल बनाया। तो यहाँ पर कर लेते हैं उसको फ्राई। तो मेरा जो मोबाइल था मैंने ऐसे नीचे रख दिया था, जब तक वो 8-10 सेकंड का ऐसे ही चल गया था, तो ये गलती मुझसे अक्सर होती है, तो सॉरी फ्रेंड्स। तो इसके बाद मेरा तेल हो गया है गरम। ये देखिए, तो मैंने बॉल डाल के देख लिया है। तो यहाँ पर मैं बहुत भरे हुए तेल में नहीं फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से करूँगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बॉल को मैंने डाल दिया है। इसी प्रकार से सारे बॉल्स डाल लूँगी हाथ से उठा कर। आप चाहें चम्मच से डाल दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप अच्छे से कर पाएँ। ये देखिए, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, स्लो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद हल्का सा मैंने पैन को तिरछा कर दिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छे से आया है, इसमें गोल्डन कलर आया है, और फ्रेंड्स बने भी बहुत अच्छे थे। अगर सुबह सुबह का नाश्ता इस प्रकार से हो तो मज़ा आ रहा है। तो हमने मिर्चियों को बेसन के बैटर में डिप कर दिया। डिप करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से पका लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल भरे हुए तेल में पका लीजिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाना था। तो यहाँ पर सारे मेरे मिर्चे बनकर रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और सुबह सुबह की रेसिपी बहुत 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 अच्छी लगती है, इजी भी बहुत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ा करिए, कोई ना कोई मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।